पेटीएम ने अपने कस्टमर्स के लिए मार्केट में एक नई सर्विस ऐड की है जिसका नाम है पेटीएम यूपीआई लाइट। बेसिकली यूपीआई लाइट एक ऐसी सर्विस है जहां पर आप ऑफलाइन मोड में भी यूपीआई के ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। आखिर यूपीआई लाइट के फायदे क्या होते हैं, यूपीआई लाइट है क्या और इसका इस्तेमाल आप पेटीएम के प्लेटफॉर्म पर कैसे कर सकते हैं, हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर यूपीआई लाइट है क्या। इंडियन मार्केट में पिछले 5 सालों में डिजिटल ट्रांजैक्शन के नंबर 50% से ज्यादा बढ़ चुके हैं और यहाँ पर सभी लोग यूपीआई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर चाहे आपको दूध लेना हो, आपको बिस्किट लेना हो, छोटे से छोटा ट्रांजैक्शन करना हो तो आप यूपीआई की मदद लेते हैं। तो यूपीआई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप जितने ट्रांजैक्शन करेंगे उतने ही ज्यादा ट्रांजैक्शन के नंबर्स आपके बैंक की पासबुक में बढ़ते जाएंगे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में यूपीआई लाइट के फीचर को लॉन्च किया है जहां पर आप छोटे मोटे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एक ट्रांजैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 200 रुपीज तक जा सकती है। तो यूपीआई लाइट के फीचर को पेटीएम ने भी अपने एप्लीकेशन पर लॉन्च कर दिया है जहां पर आप पेटीएम यूपीआई लाइट के सेक्शन में जाकर इसमें आप फंड्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार में आप मैक्सिमम 2000 तक का फंड्स ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर आप मिनिमम ट्रांजैक्शन 1 रुपए से लेकर मैक्सिमम 200 रुपीज तक ट्रांसफर कर सकते हैं एक सिंगल ट्रांजैक्शन में। लेकिन चलो मान लेते हैं कि आपको एक दिन में 2000 से ज्यादा की रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है, आप इन 2000 के स्पेंडिंग करने के बाद और 2000 यहाँ पर ऐड कर सकते हैं सेक्शन में। मतलब ओवरऑल यहाँ पर आपको 2 बार चांस मिलेगा फंड्स को ऐड करने के लिए जहाँ पर आप इंडिविजुअली 2000 रुपीज तक ऐड कर सकते हैं। मतलब एक दिन में आप यूपीआई लाइट में 4000 तक के फंड्स को ऐड कर सकते हैं। और यूपीआई लाइट की सबसे खास बात यह है कि यूपीआई लाइट के नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पर कैपिंग नहीं है, आप जितने चाहे उतने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन आप एक ट्रांजैक्शन में 200 रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं और एक दिन में 4000 रुपीज से ज्यादा के ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन यूपीआई लाइट काम कैसे करता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि आप पेटीएम से क्यूआर कोड को स्कैन करके यूपीआई से पेमेंट करते हैं वैसे ही आपको यूपीआई लाइट में भी ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि आपके यूपीआई लाइट के बैलेंस में फंड्स हो और इसके बाद इस फंड का इस्तेमाल करके आप क्यूआर कोड को स्कैन करके सिमिलरली जैसे आप पेटीएम के ऑनलाइन मोड में ट्रांजेक्शन करते हैं वैसे ही आप इस ऑफलाइन मोड में भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और सबसे खास बात तो यह है कि आपको यहाँ पर सिर्फ वेरीफाई करना है और पेमेंट ट्रांसफर करना है। आपको यूपीआई लाइट फीचर का इस्तेमाल करने के लिए यूपीआई लाइट के पिन को एंटर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपके बैंक की पासबुक में आने वाले नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम हो जाएंगे क्योंकि आपके जो छोटे मोटे ट्रांजैक्शन हैं वो पेटीएम के यूपीआई लाइट फीचर से हो जाएंगे। नॉर्मली जब भी हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं यूपीआई के तो इन सारे ट्रांजैक्शन की डिटेल्स हमारे पासबुक में भी आती हैं और जहां पर हमें पासबुक प्रिंट करने में 2 मिनट का टाइम लगता है वहीं पर हमारा आधा घंटा वेस्ट हो जाता है। इस चीज का सेकंड बेनिफिट ये होगा कि अगर आप छोटे मोटे ट्रांजैक्शन करते हैं कभी कभार हमारा नेट बंद पड़ जाता है, कभी कभार बैंक का सर्वर काम नहीं करता है तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन हमारे रुक जाते हैं। तो यूपीआई लाइट के फीचर में ये नहीं होगा क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन हैं सारे ऑफलाइन मोड पर होते हैं और यहाँ पर आपको यूपीआई पिन एंटर करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तीसरा बेनिफिट यह है कि यूपीआई लाइट के ट्रांजैक्शन पर आपकी कोई कैपिंग नहीं है कि आपको सर्टेन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ही करने को मिलेंगे। अगर आप एक दिन के 20 ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो 20 ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, 40 भी कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका जो टोटल अमाउंट है 4000 का वो एक्सीड नहीं होना चाहिए। अभी तक की वीडियो में मैंने आपको पेटीएम के यूपीआई लाइट और इसके एडवांटेजेस के बारे में बताया है कि इन दोनों चीजों का फायदा क्या होता है और ये काम कैसे करता है। लेकिन आपको पेटीएम के यूपीआई लाइट का इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है इसके बारे में भी जान लेते हैं। पेटीएम लाइट का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे ट्रांजैक्शन इजीली कर सकते हैं लेकिन पेटीएम के यूपीआई लाइट फीचर में कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो यह है कि आप पेटीएम यूपीआई लाइट के फीचर का इस्तेमाल करके किसी का मोबाइल रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे नहीं कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि मैं यहाँ पर 5000 का 4000 का फंड्स ऐड कर देता हूँ और इस 4000 के फंड्स का इस्तेमाल मैं मोबाइल के रिचार्ज में करूंगा, डीटीएच के रिचार्ज में करूंगा या इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल करने वाले हैं तो इस चीज का ऑप्शन फिलहाल अवेलेबल नहीं है। आप ऑफलाइन मोड में किसी वेंडर को पेमेंट दे सकते हैं, आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर क्यूआर कोड को स्कैन करके पे कर सकते हैं लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी इस एप्लीकेशन में अवेलेबल नहीं है और आने वाले टाइम पीरियड में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एनपीसीआई मिलकर इन सारी चीजों पर अपडेट लेकर आएंगे। तो क्या लगता है आपको पेटीएम यूपीआई लाइट का इस्तेमाल करना चाहिए? तो डेफिनेटली पेटीएम यूपीआई लाइट का इस्तेमाल करना चाहिए आपको। पेटीएम यूपीआई लाइट का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूं कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने आज के इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।